हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवो V29e 5G में किस तरह से OTG कनेक्शन ऑन करके OTG कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज जायसवाल, आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेएम। आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वीवो के मोबाइल में OTG कैसे ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में और आ जाना है ब्लूटूथ डिवाइस में और यहाँ पर मिल जाएगा OTG का ऑप्शन, इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद दोस्तों ये 5 मिनट तक ही ऑन रहेगा। अगर OTG कनेक्शन नीचे से आपने कनेक्ट नहीं किया इसके अंदर तो ये 5 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। अगर OTG आपने कनेक्ट कर दिया और उसमें से कुछ भी कॉपी कर रहे हो या देख रहे हो तो बंद नहीं होगा, ठीक है। इसमें आ जाना है ब्लूटूथ डिवाइस, इस ऑप्शन के अंदर आके इसको सिंपली ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप यूज करना शुरू कर दीजिए 5 मिनट के अंदर। अगर 5 मिनट के अंदर यूज नहीं करते हो तो बंद हो जाता है। और चलिए, हमने ऑन कर दिया और फिलहाल क्या करते हैं, इसके अंदर हम कनेक्ट किए OTG सैंडिस्क का पेन ड्राइव हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे ये शो करने लगा सैंडिस्क की पेन ड्राइव। अब फाइल मैनेजर पे ओके करते हैं, यहाँ से ऑलवेज वाला बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाते हैं और स्लाइड करते हुए नीचे देखते हैं तो यहाँ पे अल्ट्रा लिखा हुआ है। ये मेरे पेन ड्राइव का ऑप्शन है। अगर आप भी पेन ड्राइव लगाते हो, आप बाहर से कोई भी OTG फाइल कुछ भी आप कनेक्ट करते हो तो इस तरह का आइकन दिखेगा, जो दिख रहा है तीर की तरह दिख रहा है, इस तरह का दिखेगा, फ़ोन मेमोरी के नीचे ही दिखेगा। और इस तरह से जब भी आप अपने मोबाइल में OTG कनेक्ट करते हो तो इस तरह से दिखेगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं ओपन हो रहा है तो अगर ऊपर तीर की निशान दिखा रहा है जैसे मेरे में दिखा रहा है, अगर आपके में शो रहा है फिर खोजना है आपको फाइल मैनेजर, खोजना है अपने फ़ोन मेमोरी में। यहाँ पर आपको सर्च करना है, फाइल मैनेजर आ जाएगा, उसके बाद आप इसके अंदर चेक कर सकते हो अपनी पेन ड्राइव या जो भी आप OTG कनेक्ट किए हो उसको देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।